हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी प्लाबिता। आप सब लोगों को मेरे चैनल में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ फेस ट्रिमिंग हेयर कट विथ वी शेप्ड लेयर। मैं जो मेरे क्लाइंट है ना, उनकी हेयर थोड़ा लॉन्ग है और उसमें मैं वी शेप में लेयर लाऊंगी और साथ में ही आप लोगों को मैं आज इस वीडियो के द्वारा दिखाऊंगी कि अगर आपकी क्लाइंट की फेस स्क्वायर शेप्ड है तो हम किस तरह से उनकी फेस ट्रिमिंग जो हेयर कट है, उनके जो फ्रंट के फेस की जो हेयर्स है उनको हम किस तरह से कट कर सकते हैं और किस लेंथ पर एक्चुअली हमको उन बालों को कट करना चाहिए। और ये देखिए, मैं पहले ना उनकी हेयर की हेयर को वी शेप में पहले कट कर रही हूँ, फिर मैं धीरे धीरे उन पर लेयर्स लाऊंगी। देखिए मैं किस तरह से बालों को ना अच्छी तरह से कॉम करके आगे लाके किस तरह से उनकी हेयर को कट कर रही हूँ। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले ना मैंने उनकी हेयर को वी शेप में कट कर लिया है, फिर उनको बालों को कैसे मैं आगे लाके 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर एंगल्स पे थोड़ा सा ऊपर लेके मैं पहले बालों को ना हेयर को कट करूँगी। और उससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके कैसे देखिएगा आप लोग, थोड़ा थोड़ा बालों में लेयर्स आ जाएगा और साथ में उनकी वी शेप जो हेयर कट है वो भी हेयर कट में वो वी शेप भी आ जाएगा। ये देखिए, फिर मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके उनकी बालों को कट करूँगी, जो मेरी गाइडलाइन बन जाएगा उसके ऊपर में। ये देखिए जो बाल हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है गाइडलाइन के बाहर, उनको मैं कट करूँगी। देखिए किस तरह से मैं कट कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़रूरी है कटिंग के समय कि आप लोग ना बालों को अच्छी तरह से कॉम कीजिए। ये देखिए कैसे मैं गाइडलाइन के बाहर की जो एक्स्ट्रा बाल से उनको मैं कट कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर वी शेप आ जाता है इस तरह से बालों में और साथ में ही लेयर्स भी बन जाते हैं। ये देखिए ये एक्स्ट्रा बाल्स भी निकल रहे हैं, मेरी गाइडलाइन के बाहर जो बाल है मैं उसे कैसे कट कर रही हूँ। बहुत ही आसान है, आप लोग देखते रहिए। ये मैंने एक साइड की कटिंग कर ली है, फिर मैं नीचे थोड़ा जो बाल उनके बड़े हुए हैं उनको कट कर दूँगी। उससे क्या होता है कि आपके बालों में ना थोड़ा हेवीनेस आ जाता है नीचे। और फिर मैं इस तरह थोड़ा यू शेप जो मैंने बाल को कट किया था उसको फिर मैं थोड़ा अच्छी तरह से शेप को बना लूँगी। और फिर उसी तरह पहले ना 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर, आप लोग 15 डिग्री कह सकते हैं, उसमें कट करूँगी। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऊपर करके ना मैं इस तरफ से बालों को कट करूँगी और उससे क्या होगा कि लेयर्स बनता जाएगा बालों में। बहुत ही आसान है। पहले ना आप लोगों को क्या करना है, वी शेप में हेयर को पीछे कट करना है, फिर थोड़ा थोड़ा बालों को आगे लाके अलग अलग एंगल्स पे ना ऊपर ले जाके उनको कट करना है। आप लोग जो गाइडलाइन सेट करेंगे उसके ऊपर, फिर हम नीचे जो एक्स्ट्रा बाल्स निकलेगा उसको हम कट करेंगे। उससे थोड़ा बालों में नीचे ना हैवीनेस बन जाता है थोड़ा सा बाल। ये देखिए कितना अच्छा एक लुक आ गया है और उसमें बहुत सारे धीरे धीरे लेयर्स भी बन जाएंगे। आप लोग देखेंगे एंड में कि कितना हेयर सुंदर लगता है इस हेयर कटिंग से। और बहुत ही इजी ही है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। और बार बार हमको चेक करना पड़ता है बालों को। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग बालों को कॉम कीजिएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम बालों को अच्छी तरह से कॉम करें। और ना ये देखिए मैं सारे बालों को आगे लग के फिर देखूँगी कोई एक्स्ट्रा गाइडलाइन के ऊपर जो बाल है वो देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग, फिर मैंने इस साइड का देख लिया, अब मैं नेक्स्ट साइड में जाऊँगी। इसी तरह से आप लोग एक वन बाय वन साइड आप लोग हेयर को कट कर दीजिए। ये देखिए मैं फिर इस साइड में देखूँगी, सारे बालों को मैं एक साथ कॉम करके एक साथ लाऊंगी। और जो बालों की ग्रिपिंग है ना उस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, बालों की ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए
ये एक्स्ट्रा बाल्स मैं फिर गाइडलाइन के बाहर जो बाल मेरे निकल रहे हैं उनको मैं कट कर रही हूँ। और ऐसे क्या होता है कि लेयर्स बन जाते हैं, आप लोग देखेंगे जब बाल उन वो बालों को जब कॉम करके हम उनको बांधेंगे तो देखेंगे आप लोग कितना लेयर्स बन रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट हेयर है तो ऐसे आप लोगों को इतना पता नहीं चलता है। और मैं कुछ उनके बालों में सिर्फ ब्लो हेयर ड्राई करूँगी, फिर भी बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और अभी मैं उनके ना आगे के बालों में जो फेस ट्रिमिंग हेयर कट है वो देंगी। वो देखिए कितना सिंपल तरीके से मैं कट कर रही हूँ। और क्योंकि उनकी फेस ना स्क्वायर शेप्ड है तो मैं चिन एरिया के ऊपर से उनके बालों को कट नहीं करूँगी, चिन एरिया से मैं कटिंग स्टार्ट करूँगी। ज़्यादा ऊपर बालों को कट मत कीजिए, उससे इतना अच्छा नहीं लगता और इनको आगे ज़्यादा बाल चाहिए भी नहीं है। तो ये देखिए आप लोग हमेशा चिन एरिया से, जो चिन एरिया से ही कटिंग स्टार्ट कीजिए। और ये बालों को मैं ना आगे के बालों को अभी मैं पीछे के बालों के साथ मर्ज करके फिर कटिंग करूँगी। ये देखिए मैंने पहले आगे की बाल कट कर ली, फिर मैंने पीछे के बालों के साथ मर्ज करके फिर मैं वही कर रही हूँ जो मैंने पहले आप उनको बोला था। अच्छी तरह से हेयर को कम करके ऊपर लाके देखूँगी जो गाइडलाइन की बाहर की बाल है हम उस पर कटिंग करेंगे। और इस तरह से आपकी बालों में भी शेप भी आ जाएगा और साथ में ही लेयर्स भी बनते जाएंगे। और अभी मैं नेक्स्ट साइड के बालों में वो फेस कटिंग करूँगी और उस बालों को मैं गाइडलाइन ले लूँगी। पहले जो मैंने कट किया था इस साइड के बालों को मैंने गाइडलाइन लेके इस साइड के बालों में मैं कटिंग करूँगी। और आप लोग देखिए मैं सीजर्स को किस तरह से बालों पे चला रही हूँ और किस तरह से मैं बालों में आप लोग देख रहे हैं मैंने ना उनके चिन एरिया के ऊपर नहीं हेयर कट किया है, चिन एरिया से मैंने स्टार्ट किया है। और अभी पीछे के बालों के साथ मैं उनकी हेयर्स को मर्ज करके कटिंग करूँगी। ये देखिए सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पहले ना मैंने एक साइड पे जो मेरा बेस लाइन है उसको मैंने सेट कर लिया, फिर उसी को लेके मैंने इस साइड पे भी कटिंग किया है। और ये देखिए मैं फिर उस साइड में सेम उसी तरह से ना आगे बालों को मर्ज करके उनके साथ कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग शायद सोच रहे हैं कि लेंथ मैंने इतना कम क्यों किया है, क्योंकि उनको मेरी क्लाइंट को मैंने पूछा था वो चाहते हैं जिस जहाँ तक वो चाहते हैं बालों को कट करना, मैंने बिल्कुल उसी लेंथ पर ही बालों को कट कर लिया है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया है, उन्होंने मुझे बोला है, क्योंकि बाद में आप लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आपने बहुत छोटा कर दिया है, वो चाहती है इतना और मैंने इसलिए उसी लेंथ पे बालों को कट कर दिया है। और जो बाल आपका डैमेज है ना उसको रख के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। और ये देखिए फिर मैंने आगे में सारे बालों को आगे लेके आया और ये देखिए ये बाल थोड़ा सा जो मेरी गाइडलाइन है उसके बाहर एक्स्ट्रा था उनको मैंने कट कर लिया है। अभी मैं इस साइड से भी वही प्रोसेस रिपीट करूँगी, सारे बालों को ना एक बार लाके मैं चेक करूँगी और फिर जो एक्स्ट्रा बाल अगर निकलेंगे तो कट करूँगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट कटिंग हो रही है, एक भी बाल मेरा इस साइड पे नहीं है गाइडलाइन के बाहर। और अभी मैं ऊपर ले जाके दिखूँगी और आप लोग देख ही सकते हैं कटिंग के बाद और कटिंग से पहले की इनकी बालों की जो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। अभी देखिए कितना बालों में ना एक हैवीनेस आ गया है। अभी मैं इस साइड की बालों को ना लेके देखूँगी, सेम प्रोसेस आप लोग को फॉलो करना है, दोनों साइड पे देखते जाइए। और आप लोगों को अभी शायद समझ में आ रहा है कि चिन एरिया से ही अगर स्क्वायर शेप के फेस पे हम फेस फ्रेमिंग हेयर कट करेंगे तो अच्छा लगता है। देखिए मेरी जो क्लाइंट है उन पे भी ये कटिंग कितनी अच्छी लग रही है। देखिए मैंने सेम प्रोसेस रिपीट किया है, फिर मैं ऊपर ले जाके अभी देखूँगी। लेकिन आप लोगों को ना कॉम बहुत अच्छी तरह करना है और साथ में ही ना हाथों की जो ग्रिपिंग है उस पर भी हमको काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत आसान नहीं है, बाल फिसल जाते हैं हाथों से। और ये देखिए मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ, फिर आप लोग देखिएगा कितना अच्छा
उनकी बालों का लुक आ रहा था। हेयर कटिंग के समय ना आप लोग हमेशा एक बार ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आप लोग की क्लाइंट आप लोग को जितना लेंथ पे बाल कट करना कहते हैं ना, हमेशा उससे थोड़ा सा लेंथ में ही पहले स्टार्ट कीजिएगा, तो ही आप लोगों को वो जितना चाहते हैं उतनी लेंथ पर फिनिशिंग कट आएगा। हमेशा थोड़ा ना पहले कटिंग जब स्टार्ट करें आप, तो वो लोग जितना बोलते हैं उनके उससे ज़्यादा लेंथ से हेयर कट स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि हम जब बालों को ना फिनिशिंग लाते लाते थोड़ा ना थोड़ा शॉर्ट हो ही जाता है। और ये देखिए अभी आप लोग देख रहे हैं कितना हैवी लुक आ रहा है उनकी बालों पे। पहले जो उन्होंने कटिंग नहीं किया था तब उनका बाल नीचे कैसे लग रहा था। आज मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं फेस फ्रेमिंग जो हेयर कट है, कौन सी फेस पर कैसी हेयर कट अच्छा लगता है उन पर वीडियोस बनाऊं, तो मैंने आप लोगों को आज स्क्वायर शेप पर दिखाया। ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूँगी, हर एक तरह की फेस पर कौन सा फेस हेयर कट अच्छा लगता है, मैं आप लोगों की जो डिमांड है, रिक्वेस्ट है, उन पर काम करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरे वीडियोस अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में ही लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और बेल बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और देखिए मेरी क्लाइंट कितनी अच्छी लग रही है। तो फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।